आई दोस्तों, अदर सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश पाल। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ मॉडल बनाना और प्रोग्रामिंग करना। सॉलिड वर्क में मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ और पावर मिल में प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मॉडल किस तरह से बनाते हैं। आप देखो, यहाँ पे ये मॉडल हमने पिछली वीडियो में बनाया था। सॉलिड वर्क में डे वन के नाम से मैं मॉडल को सेव करते जा रहा हूँ। जब भी आप खोलोगे तो डे वन पे आपका सॉलिड वर्क का मॉडल आएगा और फिर डे वन पे आप पावर मिल के नाम से मैं सेव करूंगा। ये हमने पिछली वीडियो में सॉलिड वर्क में डे वन के नाम से इसको सेव किया है। ये मॉडल हमने बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मॉडल बनाया था हमने और इसको आदर्श थ्री नाम से सेव किया था हमने। आदर्श थ्री नाम से हमने सेव किया था। सॉलिड वर्क में भी सेव किया हमने और पावर मिल में भी सेव किया। और पावर मिल में सेव किया हमने आईजीएस फाइल में। इसको पावर मिल में आईजीएस फाइल में हमने सेव किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पावर मिल में, हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आप देखो, यहाँ पे हमारा है पावर मिल का सॉफ्टवेयर। आप हमारे कर्सर को देखिए, यहाँ पे हमारा है पावर मिल का सॉफ्टवेयर। हम इसको ओपन करेंगे। हमने इसको डबल क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है। कुछ टाइम लेगा, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ बीएमसी पे जो सीएनसी मिलिंग होती है उस पे काम किस तरह से किया जाता है। पूरा शुरू से बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आए आपको, कि जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे काम करने के लिए तो आपके पास में पार्ट कैसा आएगा, उसको फिर उसके ऊपर में काम किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप देखो, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये हमारा है ऑटोडेस्क पावर मिल 2019। मार्केट में बहुत ज्यादा है ये। अगर आप मार्केट में देखें तो पावर मिल लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे 70-75% मार्केट में। ये काफी उपलब्ध है मार्केट में और इसमें काम भी बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत उपलब्ध है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो हमारा फाइल, आप देखें यहाँ पे, ये हमारा फाइल, फाइल पे जाएंगे। इम्पोर्ट, हम क्या इम्पोर्ट करेंगे, मॉडल इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट मॉडल, क्या इम्पोर्ट करेंगे, मॉडल। देखो इम्पोर्ट लिखा है, इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करेंगे, मॉडल। हम मॉडल पे क्लिक करेंगे। अब हम मॉडल सेव कहाँ किए थे, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मैं मॉडल सेव किया हूँ डॉक्यूमेंट में। ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हमने मॉडल सेव किया हुआ है। तो हम डॉक्यूमेंट में खोलेंगे मॉडल। जहाँ पे सेव करोगे आप, जब सेव करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आप मॉडल कहाँ सेव कर रहे हो, तो फिर वहीं से जाकर आपको खोलना है। तो हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। आप देखो, यहाँ पे आ गया आदर्श वन, आदर्श टू, आदर्श थ्री। तो हम आदर्श थ्री के नाम से सेव किया था, तो हम आदर्श थ्री को पिकअप कर लेंगे। इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। कुछ टाइम लेगा, 20 सेकेंड 25 सेकेंड, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जब आप इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाओगे तो आपको किस किस तरह से पार्ट आएंगे, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं मैं, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी न हो। सबसे पहले हम जानेंगे फेस करेंगे। जब हम काम करने कहीं भी इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फेस का प्रोग्राम बनाएंगे। ये देखो, मैं इस पे फेस का प्रोग्राम बनाऊंगा। ये देखो, ये हमारा मॉडल है जो आदर्श थ्री नाम से हमने सेव किया था, और यही मॉडल हमने बनाया था सॉलिड वर्क में। ये मॉडल हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जितने भी ये कमांड है, ये सारे के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सारे कमांड को आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सब जानकारी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं, इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक मतलब, ब्लॉक होता क्या है, ब्लॉक मतलब अगर इंडस्ट्रीज में आप काम करने जा रहे हो तो एक चौरस प्लेट आएगा। हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, चौरस प्लेट बनाया हमने। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसे फेस करना है। आप देखो यहाँ पे, ये जब आपका कोई प्लेट, हकीकत में जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में, जब आपके पास में कोई प्लेट आएगा और जो मालिक ऑनर है वहां को बोलेगा कि सुपरवाइजर है जो भी है, कि इसको आप फेस कर दो। 100 प्लेट 50 प्लेट आएगा, आप बोलेगा इस प्लेट को, आप सारे प्लेटों को फेस कर दो। तो फेस कैसे करोगे आप, आपको मैं ये बता रहा हूँ शुरू से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको ब्लॉक लेंगे कि ब्लॉक कितना है, इसका साइज क्या, ब्लॉक मतलब साइज का क्या है, ब्लॉक का मतलब इसका साइज क्या है, ये हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी साइज हमें पता लग गया,
हमने क्या किया था, 100 बाई 100 का बनाया था साइज। आपने अगर वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, मैंने उसमें 100 बाई 100 का बनाया था और थिकनेस उसकी जो है मोटाई, जो है मोटाई था 85 mm। तो देखो आप 100 बाई 100 का हमारा है और थिकनेस है 50 mm। हम इसको करेंगे फेस, तो फेस करेंगे तो ये हमारा 50 mm है। जब आपके पास में कोई जब पार्ट आएगा, प्लेट आएगा, तो वो कम से कम 51 mm रहेगा या 52 mm रहेगा। तो आपको कितना करना है, 50 करना है। ये देखो ये हमारा ये मॉडल हमारा है 50 mm, आपको 50 करना है। तो जो आपका प्लेट रहेगा वो कम से कम 51 रहेगा या 52 रहेगा। तो इसमें हम किस तरह से बढ़ाएंगे उसे, आप देखो यहाँ पे देखो ये जो 50 है, इस 50 कैलकुलेट, एक मिनट सॉरी, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे 52, 52 हम इसे 52 कर देंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका बड़ा हुआ दिख रहा है, देखो आप ये ब्लॉक से 2 mm आपका बड़ा हुआ दिख रहा है। ये 2 mm हमें कटिंग करना है, काटना है इसको, हमें फेस करना है। देखो आप अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा ज्यादा कर दें, ये देखो आपका मालूम पड़ रहा है। देखो ये जो आपका साइड में ऊपर में दिख रहा है, ये 2 mm हमारा बड़ा है, हमें इसको कटिंग करके 50 पूरा करना है। तो हमने क्या किया, 2 mm इसको प्लस में कर लिया। अब इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे वर्क प्लेन में, एक मैं वर्क प्लेन लूंगा, वर्क प्लेन मतलब बता रहा हूँ आपको मैं, वर्क प्लेन लेंगे हम, वर्क प्लेन लेंगे, वर्क प्लेन पोजिशनिंग यूजिंग ब्लॉक। हम वर्क प्लेन लेंगे और यहाँ पे इसको हम वर्क प्लेन रख देंगे। हमने वर्क प्लेन लिया और वर्क प्लेन बीच में सेंटर में सेट कर दिया। वर्क प्लेन का मतलब क्या होता है, वर्क प्लेन का मतलब यह है कि जब आप हकीकत में ऑफसेट लोगे, जब आप मशीन में ऑफसेट लोगे तो आप क्या करोगे, ऑफसेट कहाँ लोगे आप, या तो सेंटर में लोगे या तो कॉर्नर में लोगे। ऑफसेट का मतलब यही से इसमें वर्क प्लेन बोलते हैं, जो आप ऑफसेट लेते हो मशीन में इसमें वर्क प्लेन बोलते हैं। हमने क्या किया, ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट मतलब वर्क प्लेन ले लिया। अब हमारा एक्टिवेट नहीं, हम इसे एक्टिवेट करेंगे, देखो हमने एक्टिवेट किया तो ब्लॉक हमारा हिल गया। देखो जो हम ब्लॉक कैलकुलेट हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो हिल गया। हम दोबारा से ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे, हम क्या करेंगे दोबारा से ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। दोबारा से ब्लॉक कैलकुलेट कर, ये आपका 50, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे रख कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 2 और यहाँ पे ओके। अब कर देंगे इसे कैलकुलेट। अब देखो ये हमारा वर्क प्लेन सेट हो गया, वर्क प्लेन हमारा यहाँ पे सेट हो गया। देखो आप यहाँ पे वर्क प्लेन सेट हो गया। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूंगा, प्रोग्रामिंग कैसे करूंगा मैं, हम जाएंगे टूल पाथ में, टूल पाथ में कर्व मशीनिंग, कर्व मशीनिंग में फेस मिलिंग, फेस मिलिंग। अब हमने क्या किया, ऑफसेट ले लिया इसका, हमने इसका ऑफसेट ले लिया। आप देखो मैंने क्या कि जब आप हकीकत में काम करोगे तो क्या करोगे, आप सबसे पहले आप पीस को क्लैम करोगे, पीस को क्लैम करने के बाद में आप ऑफसेट लोगे, या तो ऑफसेट आप कॉर्नर में लोगे या बीच में लोगे। तो हमने सारे काम कर लिए, ये पीस मान लो हमने इसको क्लैम कर लिया, यहाँ पे तो क्लैम नहीं कर सकते लेकिन हकीकत में हम क्लैम कर लेंगे। तो हमने क्लैम कर लिया और ऑफसेट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। टूल पाथ में जाएंगे, हमने फेस में ले लिया था, अब हम क्या करेंगे, देखो वर्क प्लेन हमने ले लिया और ब्लॉक भी हमने ले लिया। मैं लूंगा एक टूल, मैं लूंगा एक टूल, टूल कितने का लूंगा, टूल लूंगा मैं 20 mm, 20 mm का हम टूल लेंगे। हमने 20 mm का टूल ले लिया और कट डिस्टेंस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे 2 mm, 2 mm था हमारा, हम दे देंगे यहाँ पे 2 mm, स्टॉक हमारा 2 mm का है। और कट कितने का लेंगे, 0.5 का, 0.5 का नहीं 1 mm का ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लेंगे 1 mm का,
एक एमएम का हमने कट ले लिया, दो एमएम हमारा मटेरियल है, दो एमएम काटना है, एक एमएम का हमारा कट हो गया, एक एमएम का कट लेगा। हकीकत में एक एमएम नहीं लेंगे, बस एक एमएम कट नहीं लेंगे हम, 0.5 का लेंगे या 0.3 का या 0.4 का। अब हम आएंगे इसमें फेस मिलिंग में, वन वे है, यहाँ पे करेंगे टू वे। अब हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये आपका फेस मिलिंग का प्रोग्राम चल गया है। इसे मैं आपको चला के दिखाऊं, अगर मैं आपको इसे चला के दिखाऊं तो सिमुलेशन में जाएंगे और सेलेक्ट किया, प्ले करेंगे, प्ले। आप देखो किस तरह से कटिंग हो रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, ये कटिंग तो कर रहा है लेकिन बहुत ऊपर जा रहा है, और एक तरफ से कर, दोनों तरफ से कर रहा है लेकिन बहुत ऊपर में जा रहा है। हम इसे क्या करेंगे, इसे हम जो हमारा रैपिड है, रैपिड को हम थोड़ा नजदीक करेंगे, तो इसे हम करते हैं कैंसिल और जाएंगे टूल पाथ में, टूल पाथ के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, रैपिड मूव, ये रैपिड मूव जो है, रैपिड मूव हम कैलकुलेट करेंगे। आप देखो यहाँ पे 60 mm ऊपर से चल रहा है, 60 mm ऊपर है, फिर नीचे 5 mm आया, मतलब 55 mm के ऊपर से हमारा कट आ रहा है टूल नीचे कटिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया 12 और 7, जो रैपिड है उसकी 12 है और प्लंज हाइट जो है वो 7 mm है। अब जस्ट दोबारा इसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब देखते हैं क्या आता है। अब अगर देखो आप, तो इसको मैं प्ले करके दिखाऊं, अगर इसे मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखो आप किस तरह से कटिंग हो रही है, आप कटिंग देखो किस तरह से हो रही है, देखो इसी तरह से फेस होता है। जब आप फेसिंग का प्रोग्राम बनाओगे, तो ये हमने कटर लिया है 20 mm का, तो आपके पास अगर कटर 40 mm का है, 50 mm का है, तो आप 50 mm का लगाएंगे सबसे बेहतर होगा, कि आपको कम टाइम लगेगा, आपका फेस हो जाएगा। इसको मैं आपको 3D में दिखाऊंगा, अगर मैं इसको आपको 3D में दिखा रहा हूं, शेडिंग, स्किनिंग, फिक्स डायरेक्शन, ये देखो मैं आपको 3D में दिखा रहा हूं किस तरह से 3D में कटेगा, शेडिंग, रेनबो, फिक्स डायरेक्शन। अब देखो मैं गो टू बिगिनिंग कर रहा हूं, तो आपका ये फेस करेगा, फेस कैसे करेगा देखो आप, स्पीड कम कर दे रहा हूं मैं, देखो आप 0.5 का कट लग रहा है, आप देखो ये फेसिंग हो रहा है, जो मैंने बताया आपका आपको कि ये एक प्लेट है, प्लेट पे फेसिंग करना है 2 mm का। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो स्टार्टिंग प्रोसेस बता रहा हूं आपको मैं, कि प्लेट का फेस कैसे करते हैं। बहुत सारे इसमें प्रोग्रामिंग है, आपको मैं ड्रिल करना इसमें बताऊंगा, ग्रूविंग बताऊंगा आपको मैं, और बहुत सारे क्रिटिकल प्रोग्राम बताऊंगा आपको मैं इसमें। तो देखो हमने यहाँ पे 2 mm का कट लिया था, 2 mm हमारा स्टॉक था, माल था इसमें, 2 mm का स्टॉक था और हमने 0.5 का कट लिया था, तो 0.5 के हिसाब से 4 बार यहाँ पे कट लगेगा, 0.5 के हिसाब से 4 बार यहाँ पे कट लगेगा। थोड़ा मैं इसे फास्ट कर देता हूँ, ये देखो आपका फेसिंग हो रहा है, 2 कट हो गया, ये 1 mm कट, सॉरी 1 mm कट लिया था हमने, 2 बार में इसने फेस कर दिया। अब आपके समझ में आएगा कि हमने इसे फेस कर दिया तो हम मशीन में इसको चलाएंगे कैसे, मशीन में ये चलेगा कैसे। तो मशीन में इसका जी कोड होता है, इसका जी कोड यम कोड निकलता है, जो हम मशीन में अपने हाथ से प्रोग्रामिंग करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि जो भी लिखते हैं हम, हेडर लिखते हैं, फुटर लिखते हैं, बाद में उसके बाद से प्रोग्राम देते हैं बीच में, तो सेम इसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम अपना बना लेता है। जब इसको हम ये ब्लॉक दे देंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई दे देंगे और इसको बता देंगे कि फेस करना है, जो हमने बताया आपको कि इसको टूल हमने दे दिया 20 mm का, उसके बाद से प्लंज हाइट दे दिया हमने, कट डिस्टेंस दे दिया, तो अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेता है प्रोग्राम, अपने हिसाब से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना लेता है। उस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना होता है, जनरेट करना होता है। सॉफ्टवेयर जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव से उस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से जब हमारा जी कोड एम कोड निकल जाएगा तो पेन ड्राइव से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम मशीन में उसे लगा देते हैं और ऑफसेट लेके हम चला देते हैं।
तो प्रोसेस यही है, मैं आपको प्रोग्राम जनरेट करना अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों अगर आप पावर मिल में प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहते हो, मॉडल बनाना सीखना चाहते हो, तो मॉडल सॉलिडवर्क में बनाइए आप और प्रोग्रामिंग करिए पावर मिल में। अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ये आपका स्टार्टिंग है थोड़ा बताने के लिए, मैं आपको मैं इसको किया हूँ। डिटेल्स से आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें, एक एक बार ये बताऊंगा आपको मैं कि किस तरह से इसका काम है, क्या यूज है इसका। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपको इजी तरह से सिखाऊंगा मैं, कि आप यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा आपको तो कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। जब आप इंडस्ट्रियल में जाओगे आप बस देख लो, वीडियो आप देखते रहिए और किस तरह से काम होता है सॉफ्टवेयर में, आपको ये बता रहा हूँ मैं। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी मशीन पे जाओगे आप, तो आपके पास प्लेट आएगा तो आपको फेसिंग करने के लिए बोला जाएगा उसे, तो आप आराम से कर लोगे उसे। जो फेस का प्रोग्राम है वो आप आराम से बना लोगे। उसके बाद मैं ड्रिल का प्रोग्राम बताऊंगा, बहुत सारे प्रोग्राम, इसमें मैं कम से कम 100-150 ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं इसमें। पावर मिल में मॉडल कैसे बनाते हैं सॉलिड वर्क में, और पावर मिल में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कम से कम 150 से 200 वीडियो बनाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो लगभग लगभग 70 से 80% आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको रह जाएगा सिर्फ प्रैक्टिकल, मशीन पे सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाएगा कि यहाँ किसी को बुला लोगे आप, हमें आप बता दो इसका मशीन का ऑफसेट कैसे लेते हैं, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, बस हफ्ता 10 दिन का काम रहेगा आपका, आप ओके हो जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।